देश और प्रदेश में झोलाछाप डॉक्टरों की कोई कमी नहीं, जो हर एक प्रदेश में बिना सरकारी प्रमाण पत्र लिए केमिस्ट की दुकानों की आड़ में हॉस्पिटल चलाकर आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर मोटे नोट छाप रहे हैं। जिला कपूरथला के गांव बूटा बस स्टैंड पर पिछले 10 वर्षों से एक झोलाछाप अपने आप को डॉक्टर बताकर बिना कोई सरकारी प्रमाण पत्र के केमिस्ट की दुकान की आड़ में 4 बेड वाला हॉस्पिटल चलाकर क्षेत्र के भोले भाले गरीब लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर क्षेत्र के लोगों से मोटी रकम कमाकर अपनी दुकान के अंदर नीचे बेसमेंट में नया बड़ा हॉस्पिटल बनाने की तैयारी कर रहा था, जिसे जिला सेहत विभाग कपूरथला की टीम ने खास सूचना के आधार पर चेक कर और उसे सील कर दिया। केमिस्ट की दुकान की आड़ में हॉस्पिटल चलाने वाला झोलाछाप सुलखन सिंह मौके से गायब हो गया। वहीं इलाज करवाने वाला क्षेत्र निवासी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि डॉक्टर को मान्यता प्राप्त है या नहीं, लेकिन झोलाछाप डॉक्टर के भतीजे ने गैर कानूनी तरीके से चल रहे केमिस्ट की दुकान और हॉस्पिटल का खुलासा कर सेहत विभाग को सवाल के गटखरे में खड़ा कर दिया। अब देखना यह होगा कि सेहत विभाग प्रदेश में ऐसी गैर कानूनी तरीके से चल रही दवाई बेचने वाली दुकानों तथा हॉस्पिटलों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। ये ना साड़ी फूड टीम आई हुई थी इधर सैंपल लैंड, तो इन्होंने आके देखा, फिर इन्होंने इन्फॉर्म किया भी इतने कोई बाहर बोर्ड नहीं लगा, अंदर पेशेंट एडमिट है, तो वो फिर तो असं चैकिंग वास्ते आए, तो अंदर जो ओनर है वो कोई नहीं है, एक लड़का सी, वो कह रहे मैं तो वैसे ही बैठा हाँ, तो जोड़ा असली मालिक है वो कितने चले गया हो, कोई सर्टिफिकेट है या नहीं, वो फिर उस करके असी सोमवार तक ये सील कर दी, सोमवार इन्होंने बुलाया अपने सारे रिकॉर्ड लेके। जलंधर से पुनीत अरोड़ा, जीवे पंजाब टीवी।